नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जो हमारी हरियाणा जीके की जो पुराने क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई थी, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम करेंगे 11-2019 का कैटेगरी नंबर 4 का क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के सीएम बने थे। क्या है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था, कि कौन सा व्यक्ति ऐसा जो हरियाणा का स्वतंत्रता सेनानी था। क्या स्वतंत्रता क्या थे आपकी स्वतंत्रता सेनानी थे स्वतंत्रता आपका सेनानी थे जो बाद में हरियाणा का क्या बना है, आपका मुख्य मंत्री भी बना है। तो आपका आंसर क्या होगा, चौधरी देवीलाल। क्या आंसर होगा आपका, चौधरी देवीलाल। आपका आंसर क्या होगा, चौधरी देवीलाल क्या है, हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे और क्या बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये जो चौधरी देवीलाल है, इनको हम क्या बोलते हैं, चौधरी देवीलाल चौटाला। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एचएससी ने अभी क्वेश्चन पूछा था, भोपाल सिंह खदरी, जो खदरी था उनका क्षेत्र था, तो उसी प्रकार ये चौटाला क्या है, एक गांव का नाम है। क्या है, एक गांव का नाम है चौटाला। और इनकी जो जात है यानी गोत्र बोलते हैं, तो वो है इनकी आपकी हो जाती है सिहाग। क्या हो जाती है, सिहाग। तो ये क्या है, देवीलाल सिहाग है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1914 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। कब, 1914 में। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो वो होती है 2001 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये हरियाणा के छठे नंबर के क्या बने थे, उप प्रधानमंत्री, छठे नंबर के उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी बने हैं ये छठे नंबर के। कौन बने थे, चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल के नाम पर ही जो आपका सिरसा है, इसमें एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो कब बनी थी आपकी, 2003 में बनती है। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका क्या है, एक 90.4 एफएम रेडियो स्टेशन है आपकी, इसी यूनिवर्सिटी के आपके अंदर। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि चौधरी देवीलाल ने 1952 में जो आपका मुंजारो आंदोलन है, उसका नेतृत्व किसने किया आपके, चौधरी देवीलाल ने। उसके बाद में किसानों का सबसे पहले ऋण माफ किसने किया, तो चौधरी देवीलाल ने। कब किया, 1988 के अंदर, 1988 में किसानों क्या किया, ऋण माफ किया था। कब है, 1988 में। जो आपकी इसी के साथ हम कर लेते हैं, आपकी जो INLD पार्टी है, उसकी स्थापना कब होती है आपकी, 1996 में उसकी क्या होती है, स्थापना होती है आपकी INLD पार्टी की। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ये जो आपके चौधरी देवीलाल हैं, कौन से आपके, चौधरी देवीलाल, ये इनको ताऊ के नाम से भी पुकारते हैं। किन के नाम से, ताऊ के नाम से। हरियाणा के जो किसान है, किसानों का मसीहा के नाम से इसको पुकारते हैं। जो आपकी राजनीति है, उसके विषम पिता के नाम से भी इसको पुकारते हैं। किसको, चौधरी देवीलाल को हमें क्या, विषम पिता के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो सबसे पहले किसानों का ऋण माफ हमने कर लिया, 1488 के दौरान इन्होंने किसानों क्या है, ऋण माफ किया था। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, किसका, चौधरी देवीलाल क्या है, एक प्रसिद्ध नारा है, जो कौन सा है कि आपका जो लोक राज है वो लोक लाज से चलता है। इनका नारा क्या है, एक प्रसिद्ध नारा है, नारा कि जो आपका लोक राज है, कौन सा, कि जो आपका लोक राज है वो लोक लाज से चलता है, कि जो आपका लोक राज है वो लोक राज से चलता है। तो ये इनका क्या था, एक प्रसिद्ध नारा था कि लोक राज लोक नाद से चलता है, ये इनका था प्रसिद्ध नारा। और जो इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपका एक जो मुख्यमंत्री जो खेती के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो भी कौन सा आपका, चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। आप कह सकते हो कि कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, वो भी चौधरी देवीलाल के नाम पर ही दिया जाता है, चौधरी देवीलाल
पुरस्कार, पुरस्कार इन्हीं के नाम पर ही दिया जाता है। ये थे हमारे चौधरी देवीलाल के बारे में कुछ बातें। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी। आपसे क्या पूछा है कि 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, क्या हरियाणा का गठन है, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, जिलों की संख्या कितनी थी। तो वो आपकी कितनी थी, 7 जिलों की संख्या थी। आप किस प्रकार याद रखोगे कि अक्रम जगह है, इस प्रकार आप क्या है इनको याद रख सकते हो। ऐसे आपकी अंबाला हो जाती है, कैसे आपका करनाल हो जाता है, रैसे आपका रोहतक हो जाता है, और जैसे आपका जींद हो जाता है, और गैसे आपका गुरुग्राम हो जाता है, और है से आपका हिसार हो जाता है। और ये जो हिसार है ये आपके सबसे बड़ा था, यानी सबसे बड़ा जिला। और ये जो आपका जींद है ये क्या है, सबसे छोटा होता है। और ये जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका अभी तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ। जिस समय हरियाणा बना था उस समय से लेकर अभी तक क्या है, कोई टुकड़ा नहीं हुआ था। और ये जींद को हरियाणा का हद्दे भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बारे में हम एक आपको छोटी सी और जानकारी देते हैं कि ये जो सीरीज है ये हमारी एक और हमारे YouTube का चैनल है, YouTube का जिक्के भाई रवि सर के नाम से। तो इस पर भी हमारी ये सीरीज चली हुई है। और इस सीरीज के साथ में क्या है कि आपको इनका डिटेल जो सॉल्यूशन है जो चैप्टर वाइज है वो भी हमारे इस चैनल पर चला हुआ है। कौन से, जिक्के भाई रवि सर पे हमारा इनका जो डिटेल सॉल्यूशन है, जैसे हरियाणा की राज व्यवस्था होगी, आपके वन्य जीव अभियान हो गए, और आपके NH वगैरह, ये जो सारे चैप्टर हैं ये उस पर डिटेल सॉल्यूशन हमारा चला हुआ है। तो अगर आप देखने के इच्छुक हो तो इस चैनल पर आप देख सकते हो। और इस चैनल पर आपको दिल्ली MCU की क्लासें मिलेंगी। तो आप ये याद रखना, कौन से, जिक्के भाई रवि सर के नाम से एक चैनल है, उस पर क्या हमें आपको ये जो क्लासें सीरीज है ये दिल्ली वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये एक आपसे छोटी सी जानकारी थी। तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। क्या है कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर पूछा है आपसे। तो आपका आंसर क्या होगा, फरीदाबाद, फरीदाबाद। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का बड़ा जिला तो वो होगा आपका सिरसा। और सबसे छोटा आपका कौन सा होगा, तो यही आपका फरीदाबाद क्या है, सबसे छोटा जिला है। कौन सा आपका, फरीदाबाद। पहले कौन से होता था आपका, इसार होता था। कौन सा आपका, इसार। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा है कि हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का दान का कटोरा कहा जाता है। क्या, दान का कटोरा, दान का कटोरा, कटोरा वो किसको कहा जाता है, आपके करनाल को क्या कहा जाता है, आपके दान का कटोरा कहा जाता है। और करनाल में क्या है, बासमती चावल, बासमती चावल का क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ से, आपके करनाल से। और अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा चावलों की किस्म किस जिले में बोई जाती है, कि जो चावल है उनकी किस्म, किस्म के बारे में पूछे, सबसे किस्म किस जिले में बोई जाती है आपके, तो वो आपका होगा कैथल में। कैथल में सबसे ज़्यादा किस्म में बोई जाती हैं आपकी, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के खालिस्तान जिले में अनावरण किया गया है। कि भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र,
भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र, बड़ा अशोक चक्र का अनावरण किया गया है। अशोक चक्र का जो अनावरण किया गया वो आपके कहां पे किया गया है, तो आपका आंसर होगा यमुना नगर में, यमुना नगर में। और अशोक के हमें 7 अभिलेख कहां से मिले हैं, टोपरा नामक स्थान से, जो कहां पे थी आपकी अंबाला में थी, लेकिन वर्तमान में टोपरा कहां है आपकी, यमुना नगर में पड़ती है। वहां से हमें अशोक के कितने अभिलेख मिले थे हमें, अशोक के तो वो मिले थे हमें 7 अभिलेख, कितने मिले थे 7 अभिलेख। इन अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन थी, तो वो थी आपकी संस्कृत भाषा, भाषा थी इनकी संस्कृत। और इनकी आपसे लिपि पूछे तो वो थी आपकी बराही लिपि, कौन सी आपकी बराही लिपि। और ये जो 7 अभिलेख थे इनमें से अशोक के तो सिर्फ 4 ही थे, और जो 3 बचे ये किसके थे, विकराज चतुर्थ के अभिलेख थे, विकराज चतुर्थ के क्या थे, अभिलेख थे, कितने आपके 3 अभिलेख थे। और ये जो अशोक के अभिलेख हैं ये किसके बारे में शिक्षा देते हैं हमें, तो नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी देते हैं हमें, नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो आपका जो फिरोज शाह कोटला मैदान है जो दिल्ली के अंदर वहाँ पे है, जो फिरोज शाह तुगलक है वो आपके जो आपका अम्बाड़ा है वहाँ से उसको दिल्ली लेकर चला गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है कि पंचनव घोषित, क्या पूछे आपसे, पंचनव घोषित आर एफ का फुल फॉर्म होगा आपका रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन में एक हरियाणा के खालिस्तान जिले में तैनात की गई है, कि जो आपकी आरएफ की, कौन सी आरएफ की जो 5 बटालियन है, इस बटालियन में से एक जो बटालियन है वो आपके कहाँ पे रखी गई है, यानी उनको कहाँ तैनात की गई है, तो वो आपका आंसर होगा नू में। नू कहाँ पे है आपका, मेवात जो आपका नू है वहाँ पे रखी गई है आपकी आरएफ बटालियन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा हास्य कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो कवि पूछा है ना हास्य कवि, तो इसी का सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है हास्य कवि, ये आप याद रख लेना। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो, जो हास्य कवि है ये बार बार रिपीट होता है, तो आपके कौन से है, सुरेंद्र शर्मा, कौन हो जाते हैं आपके सुरेंद्र शर्मा, ये क्या है आपके हास्य कवि है, जो बार बार सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं आपके सुरेंद्र शर्मा, सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है आपके, तो महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ से इनका क्या है संबंध है, किसका, सुरेंद्र शर्मा का। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि खालिस्तान को राज्य का गठन हुआ था हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे मान्यता दी गई, तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 या 4 बार रिपीट हो सका है, कि जब आपका हरियाणा राज्य बना था उस समय राज्य कवि कौन थे आपके, तो उदयभाने हंस थे, कौन से थे आपके, उदयभाने हंस, उदयभाने हंस, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है उदयभाने हंस वाला, तो आप याद रखना। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो तो इससे आप आइडिया भी लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे आपके कवि हो गए और आपकी नहरें हो गई और आपके जो लोक संगीत वगैरह हैं, और ये जो सबसे क्या है ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो इनमें आप ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये देखो फिर से एक बार फिर से रिपीट हो चुका है, क्या पूछा है कि संदेश है, जो संदेश समाचार पत्र है उसमें पूछा है आपसे, संदेश साप्ताहिक पत्रिका, कि जो संदेश समाचार पत्र है वो किस प्रकार की पत्रिका थी आपकी, एक है तो साप्ताहिक पत्रिका थी, हरियाणा में खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी, क्या पूछा है कि जो आपकी संदेश पत्रिका है, संदेश पत्रिका ये हरियाणा में किसने शुरू की, तो किसने शुरू की, तो आपके पंडित नेक्की राम ने क्या है शुरू की थी, पंडित नेक्की राम ने, पंडित नेक्की राम ने क्या है संदेश नामक पत्रिका क्या की आपकी शुरू की, और 1930 में कहाँ से आपके, तो भिवानी से, इसके साथ में आप ये भी याद रखना। और जो पीछे हमारी वीडियो थी तो उनमें मैंने जो सारी पत्रिका है वो आपको बता दी है, तो बार बार यहाँ पर रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, इससे आपका टाइम ही खराब हो रहा है, तो हम आपका टाइम न खराब करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है, क्या पूछा है
कि कौन सी झील है जो आपके गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में ये जितने भी जिले हैं ये हमने करवा रखी है जिक्के भाई रवि सर के ऊपर जो चैनल हमारा। तो गुरुग्राम में कौन सी झील है आपकी? दमदमा झील। कौन सी आपकी? दमदमा झील। और इसी झील के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और एक आपकी जो बड़खल झील है उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। तो ये आपकी दमदमा झील है, ये कहाँ पे आपकी? गुरुग्राम में। और सबसे बड़ी झील है और 3000 एकड़ में क्या ये फैली हुई है। आप इसमें एकड़ लिख लेना कि जो 3000 एकड़ है उसमें फैली हुई है आपकी दमदमा झील है। और जो सनीत झील है वो भी कहाँ आपके? गुरुग्राम में है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बांध वाला फिर से रिपीट हो गया आपका कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है। क्या पूछा है कि कुछ बांध दे रखे हैं, उस बांधों में से आपसे पूछा है कि इन बांधों में से हरियाणा में कौन सा बांध है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा कौशल्या बांध है। कौशल्या बांध है। कौशल्या बांध कहाँ पे? हमारे हरियाणा में है। कौन सा आपका? कौशल्या बांध हरियाणा में है। और ये कौन से क्षेत्र में आपके? तो सरस्वती नदी के ऊपर है हमारा। सरस्वती नदी के ऊपर कौन सा हमारा? कौशल्या बांध। तो ये क्या हमारे हरियाणा में है। इसी प्रकार जो हमारी यमुना नदी है उस पर भी बांध हमने करवा रखे हैं, और जो घग्गर नदी है उसके ऊपर जो बांध है वो भी करवा रखे हैं हमें। तो बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर मैंने करवाया आपको नदियों वाला, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद में वही क्वेश्चन हो गया। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी पर्वत श्रृंखला वो हरियाणा में नहीं है। तो इसके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपके कौन सा होगा? सतपुड़ा। जो आपकी सतपुड़ा है ये कहाँ पर है? ये आपके हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ और आपकी जो शिवालिंग की पहाड़ियाँ और आपकी इंदौर की पहाड़ियाँ। और इसी प्रकार है जो क्या है आपके वो क्या है? हरियाणा में है। और आप मेवात की पहाड़ियाँ भी बोल सकते हो। तो ये क्या पे हमारे हरियाणा में स्थित है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह होते हैं के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है। तो ऐसी कौन सी योजना है जो आपके बाल विवाह होते हैं उनके मुद्दों को आगे रखती है? तो आपकी होगी अपनी बेटी अपना धन। कौन सी योजना होगी? तो अपनी बेटी अपना धन। अपना धन, अपनी बेटी अपना धन। और ये जो योजनाएं हैं ये आपकी 10 या 15 मिनट की एक वीडियो बनेगी। उस वीडियो में आपको सभी योजनाएं करवा दूंगा कि किस योजना के दौरान क्या लक्ष्य रखा गया और योजना कब निकली और किसने निकाली। ये आपकी 15 या 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है वो आपकी हम सभी करवा देंगे, आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो उसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है। हरियाणा का सबसे गर्म महीना पूछा है आपसे, गर्म महीना। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा सबसे गर्म महीना होगा मई का। तो अच्छे से ये देख लेना कि जो मई का महीना है वो हरियाणा में सबसे गर्म महीना माना है। कौन सा? मई का महीना। और एक बार आपसे पूछा था ठंडा कि सबसे ठंडा महीना, तो ये ऑप्शन में था आपका दिसंबर व जनवरी। तो इनको भी ध्यान में रखना, इस प्रकार ऑप्शन में था आपके। तो दिसंबर और जनवरी अच्छा सी ने आपसे क्या है जो आपका ठंडा महीना मानना है। उसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन खालिस्तान में किया गया। कि जो विश्व हर्बल है कि विश्व हर्बल है वन परियोजना कि जो आपकी विश्व हर्बल वन परियोजना है इसका जो उद्घाटन है वो हरियाणा में कहाँ पे किया गया? तो वो आपके पंचकुला में किया गया। किसका? जो हर्बल है वन परियोजना है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया आपके? तो पंचकुला में किया गया। और ये जो आपकी हर्बल वन परियोजना है ये पंचकुला में आपकी सबसे पहली परियोजना होगी। वो कौन सी? आपके चुहरपुर। चुहरपुर इसके अंदर है आपकी 2001 में। तो ये क्या आपकी पहली होती है जो चुहरपुर है आपकी यमुना नगर पंचकुला है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपके हर्बल वन पार्क हैं इनकी हरियाणा में टोटल संख्या पूछी। जो आपके हर्बल पार्क है उनकी टोटल संख्या कितनी आपकी? तो 59 इनकी क्या हो जाती है? टोटल संख्या हो जाती है आपके हर्बल पार्क की। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपसे कि खालिस्तान हरियाणा का एक विश्वविद्यालय है।
क्या आपको विश्वविद्यालय के बारे में पूछा है जिसने वर्ष 2018 के लिए देश का सबसे स्वस्थ विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। कब है कि आपके 2018 में देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, तो ये आपके कौन सा हो गया, MDU। MDU ये कहाँ पे है, आपके रोहतक में है। कौन सा MDU, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पे, आपके रोहतक में। इसको कौन सी ग्रेड मिली थी, आपकी A+ ग्रेड मिली हुई थी। और इससे हमारा पहले कौन सा था, तो वो आपका था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उसको भी कौन सी ग्रेड मिली हुई है, हमारी A+ ग्रेड मिली हुई है। तो अगर आपको MDU ऑप्शन में न मिले कुरुक्षेत्र हो तो उसको भी आप आंसर कर देना, क्योंकि जो आपको कुरुक्षेत्र है उसको भी A1+ का दर्जा मिल चुका है। उसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था, कि हरियाणा का एक ऐसा कौन सा कवि था जो हमारा भूदान आंदोलन चला हुआ था, जो विनोबा भावे ने चलाया था, उसमें हरियाणा के कौन से व्यक्ति ने भाग लिया था, तो वो आपका आंसर होगा भाई परमानंद। कौन सा आपका, भाई परमानंद, भाई परमानंद। इस भाई परमानंद ने जो हरियाणा के अंदर है जो आपका भूदान आंदोलन चला हुआ था, कौन सा भूदान आंदोलन, इसमें क्या है भाग लिया था। तो ये हमारे आज हरियाणा का 11-2019 का कैटेगरी नंबर 4 का जो आपसे 15-20 क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनके बारे हमने डिस्कस की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताना, और आप डिटेल में सॉल्यूशन करना चाहते हो तो जिक्के बाय रवि सर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।